दोषी हैं कि इस तरह से जो ये वनों पे आग लग रही है इसके लिए स्वयं यहाँ के लोग दोषी हैं और इस वन संपदा को नुकसान पहुंचाने में हम लोग स्वयं इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि इस वन संपदा से हमको कई प्रकार के नुकसान होते हैं। इसमें वन जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और यहाँ पे कई प्रकार के कई प्रजाति के पेड़ होंगे, कई वन संपदा होगी जिसके बारे में शायद हमको भी ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से ये आग का लगना एक बहुत ही गलत काम है और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि कभी भी इस तरह से आग को न लगाया जाए और इस तरह से ये वन संपदा जो हमारी है इसको न जलाया जाए और इस प्रकार से कोई भी काम न किया जाए कि जिससे कि वन जीवों को नुकसान हो, ये हमारे अन्य चीज़ों को नुकसान हो। धीरे धीरे ये आग फैल कर ऊपर गाँव की तरफ जाएगी तो यहाँ पर इतनी कोई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था इतनी नहीं है कि तुरंत आगे आग बुझा दी जाए। शासन का भी जो है बहुत लापरवाही है कि प्रशासन जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और जो वनाग्नि जो हमारा समय जो शुरू होता था उससे पहले जो है जन जागरूकता जो है गांव में जो फैलाई जाती थी, जन जागरूकता कार्यक्रम जो गांव में चलते थे वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। एक संदेश, जबकि आज की डेट में हमारे पास संसाधन बहुत हो गए हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को हम जो है फैला सकते हैं कि भाई हमें वनाग्नि को जो है रोकना है। और दूसरी बात यह है कि वन विभाग के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण हैं वो संगठित नहीं है, ये सो सबसे बड़ी कमजोरी इसमें। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ दोषारोपण जो है विभाग पे करें, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं